श्री वाहे गुरु साहिब जीओ नांगे अवना नांगे जाना हर हुक्म पया क्या कीजे जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोस किसे स्यों की जय गुरुमुख होवे सो पाना मन्ने सहजे हर रस पी जय नानक दुख दाता सदा सलाहे हो रसना राम रवि जय करीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा खेल करे खेल करिंदे हंजनू अचिंते बाज पए बाज पए तिस रब दे केला विसरियां जो मन चित न चिते सन सो गाली रब किया हौ क्या सलाही किरम जन वडी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आपे लय मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिना ले चढ़ाई नानक वे परवाओ है तिस तिल ना तमाई दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए उगवे सूर न जापे चंद जय ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की का पढ़ पढ़ पंडित करे विचार दिन बूझे सब होए क्वार नानक गुरमुख उतरस पार क्या तू सोचा क्या तू चितवे क्या तू करे उपाय ताको कहां परवाह कहू की जय गोपाल सहाय स्वामी के ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए बिद हर पजो एक मन होए एक चित तीर्थ व्रत और दान कर मन में तरे गमान नानक निफल जात तैं ज्यों कुंजर निशना
ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सो कहो टल गुर सेविया, अहन ससहज सवाए, दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत कसम दी, नूरे अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोइया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो, सुरठ महला पंजवा, कर तीजा दुबदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए करिशनना, गुरपूरे कीने दाना। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए करे शनाना, गुरपूरे कीने दाना। सब कुशल खेम प्रभ तारे, सही सलामत सब थोक बारे, गुर का शब्द विचारे, रहाओ साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म पयो साथी, नानक नाम ते आया, आद पुरख प्रभ पाया, साध संगत मल लाथी, पार ब्रह्म पयो साथी, नानक नाम ते आया, आद पुरख प्रभ पाया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जी 625 अंग
धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पवित्र अंग जिन्हां चों अज दे मुख वाक पंजवें पातशाह सोरठ राग विच कृपा कर रहे ने साडे जीवां ते रामदास सरोवर नाते सब तो वड्डी एक गल क्लीयर करन वाली यह है कि उन्होंने गुरु साहब ने जिहड़ी बाणी लिखी है उन्होंने जिहड़े रामदास गुरु अकाल पुरख नूं संबोधन करके लिखी किसी जीव नूं अपने पिता नूं संबोधन करके नहीं लिखी पर बड़ी दुनिया के विच दुविधा है किसी गल की भी शायद उन्होंने अपने पिता नूं मुख रख के बाणी लिखी जे रामदास अकाल पुरख ने जिन्होंने बाणी की रचना की बाणी इस धरती का लैके आती है मुख चाहे किसी का भी हो हाथ चाहे किसी का भी हो किसी प्राणी का भी हो रामदास सर ना ही उतू पिया रामदास सरोवर नहाते सरोवर से नहाना की है जियो मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जियो मैले तिन्हें जिन्हें जोए हारिया जन्म उन्हों का हारिया गया जिन्हें बाहरों नहाते अंदरों मैल ने लती तृष्णा वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारे फिर अगली लाइन जो उन्होंने की लिखिया पंक्ति वेदा में नाम उत्तर सो सुने नहीं फिरे जो बैठा लिया कहे नानक कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हार जिन्हें सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए यह सरोवर वह है अमृत बाणी का जिस विच तुसी नहा के बाणी पढ़ के अपने मन की गल खिलानी है तन तो निर्मल जिथे मर्जी हो जाएगा मोटर से ना लो घर ना लो इशान कर लो पर गुरु रामदास का सरोवर बाणी का सरोवर अमृतमय बाणी का सरोवर जिथे जन्मा जन्मा की इस मन को जन्म जन्म की मद लगी इस मन जन्मा जन्मा की जड़ी मैल लगी सारी रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते साढ़े वो सारे पाप बाणी पढ़ के उतर जाते हैं जो असी एक मन एक चित करके चाहे गुरु रामदास जी का स्थान हो चाहे वह पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी का स्थान हो चाहे वह पहले पातशाह जी जो इंसान गुरमुख प्यारा एक मन एक चित करके आराधेगा उन्होंने दर्शनों में जाएगा घर बैठे भी प्राप्त कर सकता सब तो वड्डी गल है मन का इशनान इतने इन्होंने मन के इशनान की गल की है जे असी बाहरले मन तन की गल करते साडा नहात्या ही साढ़े पाप सारे उतर जाने चाहिए कहते ने बाणी च लिखिया गुरु अमरदास पातशाह ने मन मैला सब किश मैला तन धोते मन अच्छा ना हो बाणी उ रामदास सरोवर नहाँ का मतलब है मन का इशनान फिर तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है इसे करके लिखा उन्होंने बाणी के तीर्थों का इशनान तुम्हें कई बार होर मैल चढ़ा देता है क्योंकि असं अग्ञानी हाँ मन का ज्ञान है साढ़े अपने मन के पिछे तुरन वाले हैं गुरु का ज्ञान नहीं है नावण चले दीरती जगेश अपने मन न जे मन की सलाह करके मन खुटे तन जोर एक भुल अथी नाती है दो ही भुल चढ़ी है सबूत गुमान आ गया हंकार आ गया जो संगत जा रही है सन तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा कि साड़ी लौकी भी लाइ ठाठ तीर्थां दे स्नान वास्ते जा रहे हो बड़ा वड्डा पुन्न है बड़ा वड्डा फल है पर सानू
इस इशनान की इस तीर्थां की सानू समझ देनी सी। लौकी लैके गए नाल जिथे जिथे इशनान दर्शन किए उस जगह लौकी ने भी इशनान कराया जिन्हों आप कद्दू भी कह दें लंबा। कद्दू की कड़त्तर तो अंदर सी बाहरों इशनान कीतिया साढ़े मन की मैल गई इस करके मन मैला सब कुछ मैला। जो 68 तीर्थां दे इशनान करके आए तो की देखिया गुरु साहब ने लौकी अर्पण की गुरु साहब जी ये तुहाडा संदेश जिहड़ा तुसीं सानूं दित्ता सी आ लैके आए। तो गुरु साहब ने आख्या 68 तीर्थां दा ते बहुत ज़्यादा फल है बहुत ज़्यादा निर्फल मन तुहाडे हो गए कई वस्तां प्राप्त कर लिया तुसीं क्यों ना ये अमृतमयी जिहड़ी लौकी इशनान करके मिठी हो गई इतनी अमृत भर गया मेरी सब्जी कट के तेरी संगत खवाई जाए एक साड़ी सेहत देनी सा और लौकी नूं कट के सब्जी बनाई तो अत की पौड़ी नहीं है जिमें जिमें खाधी तिवें तिवें सबने बार फुकिया कहिंदे गुरु साहब यह की होया। तो गुरु साहब ने दसिया फिर लौकी 68 तीर्थ नाई कौरा पन तो ना जाए कहे कबीर विचारी विचारी बाणी की विचार अव सागर तारम जेड़ा बाणी की विचार करेगा वो इस लोक तो परलोक तो दोवें मुक्त हो जाएगा जन्म मरण का गेड़ कट्टिया जाएगा। पर कहे कबीर विचारी की गल पढ़न तो किधरे परे आ जाती सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए करे शनाना जो पाप उतर गए तो मन निर्मल हो गया इशनान किया जो मन का मन लो किसी गुरमुख प्यारे नूं लिव लग जाए तो उहदा हरिमंदर साहब या किसी तीर्थ ते जाया कितना सफल होंदा है क्योंकि उन्हें गुरु की प्रीत लैके जानी उन्हें किसी बिल्डिंग नूं मत्था टेक नहीं जाना उन्हें गुरु ग्रंथ साहब इत्थे भी हाजर ने उत्थे भी हाजर ने हर गुरुद्वारे पर जिहड़ा गुरमुख प्यारा है वह बाणी नूं अपने नाल नाल गुरु मेरा संग सदा है नाल है शरीर करके नहीं बाणी कर बाबा सागर तार महाराणे का मतलब है बाणी की विचार कर विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन आए ये चीज़ सानू समझनी पएगी सात संग की। निर्मल मन तां होएगा जे असी मन दा इशनान करांगे निर्मल होए कर इशनाना गुरपुरे कीने दाना जिहड़ा तुसी दान उत्थे करके आना मन नूं अर्पण करके आना है अपने पाप जिहड़े छड्ड के आने ने गुरु सारे दान रूप रख लेगा ते चंगी सोची चंगी विचार अपने प्यारियां नूं देगा। गुरमुख मनमुख ते गुरमुख की यही बिरती है तो मनमुख जाएगा तो लंगर खाएगा फोटो खिंचेगा भी मैं गुरुद्वारे आया मेरी यादगार बन जाए पर गुरु की बाणी का जो की विचार चल रहा कि शब्द का जाप चल रहा उत्थे की महत्ता की है साडे गुरु ने साडे वास्ते की किया अज तक उस स्थान पर जाके सानू इस चीज़ की लोड़ होती है सीखना सीखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक जिन्हें सीख लिया वो जन्म के मरण के गेट तो कटिया गया मुख उज्जल उठ गया नाम संसार दे संसार थले रह गए वो कई गुना तां उठ के चला गया मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक उन्हें एक दी ही गल की एक का मतलब सच सच दी ही गल की उन्हें सब कुशल खेम प्रगतारे जदों असी जाके इशनान करके अपने मन के पाप मिटा ले तो साढ़े अंदर कुशल खेम खेम कहते ने जोड़ा मन का पर्दा लथ जाना शांति आ गई अंदर मन का भरम लथ गया अंदर धारिया गया सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचार वो इंसान
गुरु की बाणी तो सेध लैके गुरु के विचार तो सेध लैके गुरु शब्द नाल जुड़ जाता है क्योंकि सारे सभे थोक प्राप्त जे आवे सारे थोक उस सारे व्यापार उस सारे जीवन की करनी तुहाडे हाथ च आ जाती है तुहानू समझ आ जाती थभे थोक प्राप्त सभे सारे जे आवे जे परमात्मा की सानू करनी समझ आ जाए भी उन्होंने बाणी किस करके लिखी है क्यों लिखी है की रीजन है बाणी लिखन का साडा मनोरथ की इस धरती ते आउंदा ते सानू बाणी पढ़ने वास्ते क्यों किया जाता है सानू ये पता चल जाए सभे थोक प्राप्त जे आवे जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कर जे सच्चे शब्द ही बाणी शुरू तो लैके ते अंत तक एक ही विचार की गल करती है जिसने सच्चे शब्द नाल प्रीत ला लिया गुरु के शरीर नूं मनन वास्ते नहीं किया बाणी च किया गया बाणी के शब्द नूं अंदर ध्यान करना अंदर बसाउण वास्ते जिवें उन्होंने कहा नानक बेड़ी सच की तइए गुर विचार पर सच की बेड़ी च कौन बैठेगा जिहड़ा सच दे नाल जुड़िया होवे नानक शब्द विचारीए जी शब्द विचारीए तो की मिलेगा सानू पाइए गुणी ने पिछले कीर्तन च आप पढ़िया सी दूख विसारण शब्द है शब्द ही गल हो रही है दूख विसारण शब्द है पर अगली पंक्ति च सारे ने जोड़े जे मन वसाए हुण साडे बाणी मन च ना वसी ते पढ़न दा कोई फायदा नहीं ते पढ़नी इस प्रीत नाल है कि सानू कुछ मिल जाए कुछ प्राप्ति हो जाए जिस तरह किसान फसल उगाता है कुछ प्राप्ति वास्ते मझ नूं पठे पाता है कि शामी दुध मिल जाए दुकान इस करके खोलता है कि कोई ग्राहक आ जाए मेरे को मुनाफा हो जाए तो साडा मुनाफा की इत्थे बाणी च ये जिहड़ा जिस दुनियादारी असी फसे हुए हैं काम क्रोध लोभ पछोटी है दीजे अग्नि जलाए जीवन दे आने ते जापी है नानक सच्चा नाम ये चीज साढ़े को छुट जाए जिन मिल मारे पंच सूखे ये पंच छड़ी जाए साढ़े को ते जीवन दे आने ते जापी है किरत विहार करदे आ विचे ही विचे होवे मो संदिया खलंदिया बनंदिया खवंदिया विचे होवे मो नानक सतगुरु भेटी है पूरी होवे जो ये जुगत तां पूरी होएगी जे सानू किरत करदे आ दुकानदारी करदे आ स्कूल पढ़दे आ बच्चा घर च माँ बाप अपने बच्चे नूं मत दे भी बेटा बाणी है कि कह रही सानू पर जे हुण माँ प्यो नूं बाणी दा नहीं पता हैगा वो खुद ही डेरिया ते जाके धक्के खा रहा वो खुद ही भटक रहा कि मैनूं कुछ रस्ता लग जाए तो बच्चा बेचारा की करेगा फिर कहना साढ़े असी गुरुद्वारे जाते सी साढ़े बच्चे नलायक नहीं गए साढ़े बच्चों ने कुछ नहीं सीखा पर असी गुरुद्वारे जाते सारी उम्र हो गई सन ये चीज़ का पर्दा क्योंकि पिता ने मुबारक तू गुर पिता है मत दे समझ आए जो कई वाली मत तुम प्रीत लैके बाणी पढ़ोगे ना तो अंदर बाणी का विचार भी जाएगा बाणी का टका भी आएगा रहाओ की पंक्ति है साध संग आ साध संगत है साध संग मल लाथी ये साध संग इस करके कटी है इतने मल क्यों उतर जाती है क्योंकि आप सारे एक मन एक चित करके सुन रहे हैं जो तुम किसी पैलेस चले जाओ तो हर बंदे ने अपनी टोली बनाई होगी हर बंदा अपने टेबल पर या हर पास सिनेमा घर चले जाओ उत्थे तुम मूवी देखोगे किसी मेले चले जाओ उत्थे तुम घंगोड़ियां का खाण पीन का होर आनंद लाओगे पर इत्थे की हो रहा है गुरु घर च किसी भी गुरु घर च किसी भी स्थान पर साध संग मल लाथी गुरु की बाणी की विचार शब्द की विचार शब्द की विचार के नाल जुड़ांगे एक मन एक चित के सो जिहड़ा सुनदा है ना उहदी साध संग मल लाथी उतर जाता है मन के सारे भाव विकार उतर जाते हैं तो फिर की होता कि जिहड़ा साडा सहाई है अकाल पुरख एक दाता
पार ब्रह्म प्यो साथी, वह साडा सानू मार्गदर्शन करना शुरू कर दिंदा परमात्मा। भई आप भैड़ी संगत च नहीं जाना। देखियो जिवें जिवें तुसीं बाणी पढ़ोगे विचार करोगे तुहानू बुरियां कामां तों ये बाणी प्रेरदी कि नानक मेरी सच की तरीए पर विचार है। इसे करके नानक नाम ध्याया, जिन्होंने ध्याया फिर आदि पुरख प्रभ पाया। आदि पिछले समय तो जदों तो धरती नहीं बनी उदों तो लैके अगह जब तक रहेगा। आद अंत जो राखन हार देसो प्रीत न करे गवार। प्रीत करने की लोड़ है सानू। मुढ़ा कदीमों तो साडा मालक है शुरू तो। इस करके बंदे खोज दिल हर लोग खोजना की होएगा ना फिर परेशानी माँ है। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी ना है। जिवें भाई जेठा जी, गुरु रामदास जी जेडे गुरु अर्जन देव जी के पिता, ते उन्होंने समय की गल है चौथे पातशाह को लैके छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जी उन्होंने समय दौरान भाई जेठा जी गुरु रामदास जी होए ने। भाई जेठा जी उन्होंने पुरातन नाम से, ते जिवें गुरगद्दी मिलन बाद उन्होंने नाम भाई जेठा जी भाई गुरु रामदास पै गया। इस तरह भाई जेठा जी भी हो गए ने गुरु साहब के पहले गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के पहले जथियां चो एक जथेदार हो। भाई जेठा जी की इस करके साखी आ रही है कि बहुत घट लोग जानते हैं। गुरु साहब तो सब कुछ जानता है। गुरु रामदास जी का पहला नाम भाई जेठा जी होया, तो बाद उन्होंने गुरु रामदास जी नाम पै गया। भाई जेठा जी गुरु रामदास जी के वेले होए ने, उन्होंने सरनामिया कह लो सेवा भी की उन्होंने 1577 तो लैके जो तो सेवा खुदाई शुरू हुई गुरु रामदास जी के सरोवर उन्होंने खुदाई हुई, अमृतसर की सरजना हुई, रामदास चक स्वरूप जिन्होंने पुरातन नाम ने जेड़े उन्होंने, तो उदो उन्होंने भी सेवा नाल की। उन्होंने इतना योगदान है साडे पंथ च कि दसदियां दसदियां शब्द खत्म हो जाते हैं। पर सानू किसी ने नहीं दसिया या साडे कथा विचार ने नहीं अगे चीज़ को लैके आता। उन्होंने इतनी करनी सी कि 75 साल तक गुरुआ के नाल रहे। तीसरी जी लड़ाई लड़ी है 77 साल की उम्र सी उन्होंने तीसरी जंग लड़न। तो गुरु साहब के नाल रह के उन्होंने वो विद्या वो महान करनी वो महान गुरसिख बने जिन्हों का बयान करना बड़ा मुश्किल है। गुरु रामदास जी तो लैके गुरु अर्जन देव जी का पातशाह जी का जो टाइम आया तो जो उन्होंने लाहौर लैके गया शहीदी वास्ते बुलाया गया, बुलाया किसी होर कार्य वास्ते सी पर दसना कुछ होर होंगे तो करना कुछ होर होंगे। जी हुकूमत होंगी है सरकार होंगे ये आप जी को पता ही है इन्हों के कई षड्यंत्र होंगे। तो गुरु साहब के नाल हर वारी जथा जाता सी जिन्हें भाई जेठा जी मोहरे आगू सन, बाबा बुढ़ा जी, ये सारे होर पतवंते सज्जन नाल सन। तो भाई जेठा जी वो ने जिन्होंने गुरु साहब जी गुरु अर्जन देव जी के शहीदी का वार्तालाप हर एक चीज अपनी अखी देखिया सुनिया ते आ के संगतां नूं सुनाया, आ के पूरे सिख कौम नूं जागरूक किया जिन्हां नूं नहीं सी पता जिस बारे ये वो भाई जेठा जी ने। ते फिर उन्होंने जिहड़ा हुक्म किया सी वी अगों ये गुरगद्दी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के नाल जाएगी ते शमशीर मीरी ते पीरी दी उन्होंने पहनाना है क्योंकि आदेश गुरु अर्जन देव जी ने उत्थे करता सी क्योंकि जुलम हो रहा अत्यंत शमशीर चक्कन की लोड़ सी। उस समय सेवा भी की अत्यंत
गुरु रामदास जी के वेले तो लैके गुरु अर्जन देव जी ना तिना गुरुआं दा संग माणिया उन्होंने ते जिस समय जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं धोखे नाल ग्वालियर दे किले च कैद कर लिया ते भाई जेठा जी उदों भी नाल सन बाबा बुढ़ा जी होर पतवंते सज्जन ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਦਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਸਦਾ ਰੱਖੀਏ ਉਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਪਾਈਏ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਏ ਨਾ ਸਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਡਰ ਗਿਆ ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਮੁੱਲਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ 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 ਦੀਸੇ ਸਿੱਖੜਾ ਅਤੇ ਸਨੇਮ ਨਿਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ
दसवें पातशाह ने सिख नूं गुरु का खिताब दिता। पहला पंजां नूं अमृतक आया ते फिर उन्हां पंजां अगे आप ही हाथ जोड़ के पहल लैण वास्ते गुड़नियां पर आ गए भी मिलो भी पौल बख्शी अमृत की दात। पर अमृत की दात कदों है? जदों तुहाडा मन मन गया, जदों तुहाडा मन बाणी नाल भतीज गया, उदों तो सहाई हो गया। क्योंकि अमृत अंदर पाना है, अमृत बाहर आना है बाणी की विचार नाल। जिवें पानी का बोर कीत्या, उपरों पानी पाया, थलों पानी नहीं ना निकलता जब तक उपरों पानी पाना पैंदा है। इसे तरह जे मनुख पहला गुरसिख बन जाए, पहला गुरु नाल जुड़ जाए तो अमृत की पाव लैंदिया ही वो दसवें द्वार खुल जाता है। पर जे अमृत छक के ये करेगा फिर भी चढ़ाई चढ़नी पेगी। गुरु साहब को बाज रहा करने वास्ते सात संगत जी पूरी तैयारियां की गई। गुरु साहब ने उन्होंने अगे ये मनशा रखी भी जितने राजे दरबारी जितने जेल च ग्वालियर के किले च बंद हैं राजे सारे मेरे नाल जाएंगे। क्योंकि गुरु साहब की संगत करके और राजे भी मन के निर्मल हो गए। उस समय बेशक उहीओ राजे दसवें पातशाह वरी जा के भाई धड़ते राजे गुरु साहब के वैर विरुद्ध हो गए। पर गुरु छेवें पातशाह के टाइम से उहीओ राजे जिन्होंने सहयोग किया तीन पीढ़ियां। क्योंकि बंदे की समझ तो परे गल हो जाती जो माया वरतदी, तो माया हर कितें वरतदी। माया ममता मोहनी है ना, माई माया छल तृण की अगर मैं की छाया गोबिंद भजन बिन खड़का जा। गुरु साहब ने 52 राजा रिहा कराया, 52 कोलियां वाला कलियां वाला चोला पहनिया। तो पहन के उस समय जब गुरु साहब ने रिहा होने वास्ते जाना सी तां जहांगीर नूं कहा भी मेरी एक एक कली नूं एक एक राजा फड़ के बाहर आ सकदा, जितने राजे कली फड़ लैणगे उतने बाहर आ जाणगे। तां जहांगीर ये भी गल मन गया क्योंकि गुरु साहब नूं आदेश हो गया सी कि हुण ये परोपकार का समा आ गया। बाबा बुढ़ा जी ने सलाह करके भाई जेठा जी ने जो सूफी फकीर होए ने मियाँ मीर जी वर्गे वजीर खान जी वर्गे ये सूफिया च आए, इन्होंने सारे ना सलाह मशवरा करने तो उपरंत उन्होंने पता चल गया सी कि हुण चंगाई का समा आ गया। उस समय तो बाद 16 साल जहांगीर बादशाह गुरु साहब नाल एक मिक हो के रहे, जिथे ये भी साखी आती है कि गुरु साहब को पूछा गया सी भी तुसी बादशाह क्यों हो तो मैं क्यों बादशाह। तो फिर वो संघ सी गुरु साहब का जहांगीर नाल जिसनों दर्शाने वास्ते उन्होंने खेमे च जंगल च जाके तंबू लाए तो जिथे सिख ने गुरु की आराधना की। वो भी कथा आती है, ये इसे करके आती है क्योंकि जहांगीर का संघ रहा 16-17 साल। पहला जो भी जहांगीर को करवाया गया सी कि शरीयत के जेड़े हुक्मरान सन इन्होंने प्रण लै लिया सी कि जो भी करेगा धर्म के आड़ च करेगा, धर्म नूं मुख रख के करेगा। तो धर्म सानू की सिखाउंदा? दया, सत्कार, निर्मता, ऊच नीच नूं छड्डना। पर जिथे दया ही नहीं हैगी उत्थे धर्म कित्थे रहेगा? तो जिथे धर्म नहीं उत्थे संदोख सबर कुछ भी नहीं। सब तो पहला दया, सत संदोख दया कमावे यही करनी सार, यही करनी सार साडी। तो फिर गुरु साहब जी नाल रिहा होके जदों आप सब नूं पता ही है दिवाली के मौके आए तां दीपमाला भी की गई। उस तो बाद गुरु साहब ने 5 जथेदार थापे जिन्हां च पहले जथेदार भाई जेठा जी भी सन। भाई जेठा जी की बहुत करनी है, 77 साल की पहलिया 2 जंगा च फतेह प्राप्त करने तो बाद 77 साल की उम्र च 3री जंग हुई लहरा गढ़। उत्थे गुरु साहब लल्ला बेग के हथों शहीद हो गए। भाई जेठा जी वार चलिया, क्रॉस वार होया, 2 जंगा जीतने तो बाद 3री जंग
जो लला बेग नाल मुकाबला होया तो उत्थे शहीदी प्राप्त कर गए। उम्र भी देरी हो गई सी उन्होंने, तो गुरु साहब ने उन्होंने संस्कार अपने हाथी किया, बना के जगीठा बनाया, बहुत वार दिते गुरु साहब ने उन्होंने। तुसी इतिहास पढ़ोगे तो कभी विचार करो और बहुत कुछ लिखा होया भाई जेठा जी बारे, बड़ी महान हस्ती शांति से पुंज गुरु साहब न परिवार त्याग के एकमेक होके साए की तरह रहे हैं। गुरु रामदास जी पातशाह, गुरु अर्जन देव जी पातशाह, गुरु हरगोबिंद पातशाह, बहुत करनी इन्हों की। इसी तरह गुरमुख प्यारो ये करनी याद रखते हुए असं भी अज कट्ठे हुए हैं कि असी इस बाणी ना जुड़िए। आने वाला कीर्तन जोड़ा अपना जलमाणा विखे होना 17 तरीक को, गुरु कृपा करे आप सब के मनोरथ, आप सब के मन के अंदर वो विचार पैदा हो जाए जिस ना सू पता चल जाए कि यह साडा मनोरथ इतने आया तो है कि असल एक रहन के पवन हम बहुत युग आस बंदाए, आए तो कुछ घड़िया वास्ते हैं पर कई युगों की आस ला रहे। तो जिमें जिमें साध संगत जावे तिवें तिवें सानू की ज्ञान होएगा, बिसर गई सब टाल पुराई जब ते साध संगत मोह पाए, ये सानू ज्ञान होएगा। फिर होएगा ना को बैरी नहे बेगाना, सगल संग रिश्तेदारियां छड़दांगे ते हर माई भाई सगल संग हम को बने आए। ये साढ़े से कृपा हो जाएगी, गुरु बख्शिश करे। छोटा जहा जाप करने हैं, इस उपरंत फिर आप विदा लवेंगे आप जी को मिलके। सिखो शब्द प्यारे ओ, 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 जन्म मरण की टेक, जन्म मरण की टेक, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, 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 एक परमात्मा, एक पिता, एक सके हम मुबारक तू मेरा करो भाई, एक पिता, नानक सिमरत एक, एक साढ़े मन च बस जाए। ये किवें बसेगा? बाणी की विचार ना साध संगत की, बड़ा सिंपल है, वार वार बाणी की विचार, बाणी विचारीए जीवश। पिछली बार शब्द पढ़िया से तेरे वचन अनूप अपार संतन आधार, बाणी विचारीए जीव, सिमरत सास है रास पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारिए जीव, सिमरत सास गिरास अंदर आंदा सा बाहर जांदा सा, कम करद्या रंबा गोड़द्या पैली फसल वढ़द्या पट्ठे वढ़द्या साडा अंदर बंद नहीं होया, हथ काम कर रहे हैं,
काम कार सब हाथ कर चित निरंजन नाम किया सी ना भाई उन्होंने त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी ने नामा माया मोया कहते नहीं कहते मेरे हाथ काम कर रहे हैं मेरा चित निरंजन नाल है इस करके सिमरत सास विरास पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जीव ये शब्द इस करके पढ़िया सी कि सानू समझ आ जाए कि साड़ा जीवन का मनोरथ की है दसवें पातशाह वरी भी यही घाट घड़िया गई जो छेवें पातशाह वरी शुरू हुई सन लड़ाई का कारण यही सी कि सच की गल एक पिता की गल ना करो साड़ी बाणी क्यों नहीं लै रहे बिच सानू बिच क्यों नहीं रखा जा रहा मुगलों पर गुरु नानक साहब ने पहला ही चार उदासियां वरी चंगिया भगतों की जिन्हों की सच की बाणी सच का मार्ग दर्शाती सी बाणी लैके आए ना हमेशा बाणी लिया के चार गुरुआ तक पोथी ग्रंथ उन्होंने किया गया पोथी परमेश्वर का स्थान अगे हर गुरु सौंप दी गई बाणी ये बाणी पहला तो शुरू होकर आई है बाणी अज का नहीं विषय है युगों युगों की बाणी जो तू ये संसार बनया नहीं सी उस तो पहले ये बाणी सच यानी कि सच ही तो शुरू हो सच ही थोड़ी करनी है सच नाल तो जुड़न वास्ते ही आए हैं सारे सच ते आ रहा तो एक बिताई के सिक्ख्या मुबारक बन जावे 17 तरीक नूं कोई ना भुलियो ये जलमाणी एक साल बाद तकरीबन प्रोग्राम हो रहा उस अगला प्रोग्राम गुरु नानक पातशाह का गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का जिवें कमेटी आप सब संगत का विचार होएगा उसी तरीके रखा जाएगा हर संडे तकरीबन आने की कोशिश करांगे घर के कुछ रजीवें होने करके महापुरशा की थोड़ी जी तबीयत ढिली हो जाने करके या होर कुछ रजीवें करके कई बार नहीं आया जाता नहीं तो तुहाडे दर्शन हर हफ्ते करन दी मन च आस है बाणी की विचार की जाए जितनी बाणी की विचार करांगे उतना ही मन टिकेगा बाणी पढ़न दे नाल मन के बाणी की विचार भी जानी चाहिए बाणी की विचार एवें जिवें नहातियां धोतियां ये शरीर निर्मल हो जाता है तो बाणी की विचार मन साडा निर्मल हो जाता है इस चीज़ को समझना साध संगत जी इस करके शब्द 88 शब्द ने 94 शब्द ने जिन्हों का जाप असी भी करते हैं तुसी भी करना इको शब्द में वेखो लिया वो जाको हर रंग लाल हो इस युग में इस युग उन्हों ही रंग लगेगा सो कहियत है सूरा वो ही सूरा शब्द सूरा शरीर नहीं जिसने पढ़िया वो नहीं ये उदा मन बदल जाएगा मन बदल गया तो काया भी बदल जाएगी काया का सारा हार शिंगार सब उतर जाएगा जिस दिन साड़ा मन जुड़ गया जाको हर लंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा वो सूरा कौन है आत्म जिन्हें जिन्हें इस आत्मा मन नु जित लिया सगल बस सारा संसार दे बस सगल बस तां के जाका सतगुर पूरा शब्द होर भी ने बहुत जप गोबिंद कृपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवें फिर ना काई आप महाकाल नहीं खावे कदी काल सामू आके कुछ नहीं कहेगा जमा नहीं मार नहीं सावे पर जप गोबिंद कृपाल लाल स्टार्टिंग इतों है शुरुआत साड़ी इतों जे साडा ये आचरण बन जाए ये व्यवहार बन जाए तो साडा इत्थे भी सफल उत्थे भी परमात्मा की गोद में भी सफल इसे सफल बनाने वास्ते एक महीने च एक कीर्तन होंगे उसी अरदास होएगी जेड़ा प्राणी जेड़ा गुरमुख प्यारा हाजरी लाएगा उहदा जन्म ते मरण कटिया जाए घर दीआं दिक्कतां तां सानूं आणियां ने थोड़ियां बहुत साध संगत जी क्योंकि ये माया है ये माया जित हर विसरे मोह उपजे ये उपजदा है क्योंकि गुरु साहब ने लिखिया बाणी च इस देही अंदर पंच चोर वसे काम क्रोध लोभ मोह हंकार अमृत लुटै मन मुख नहीं बूझै कोई ना सुने पुकार नहीं सुनता कोई भी
क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मायाधारी। जिथे गुरमुख की गल आ गई, थोड़े विचार की गल आ गई, बाणी की विचार आ गई, तो सचेत हो जाओगे कि मेरा बच्चा मेरे को नजायज ये मंग मंग रहा है, सच की गल मैं करनी, मैं प्यार प्रेरित किया चीज नहीं लग देनी। उत्थे तुहाडे घर गुरु का वास हो गया। पर जे तुसीं आप बाणी के विचार पहला पढ़ोगे, तुहाडे अल वेख के उसको रंगत चढ़ेगी, तुहाडे बोलबाणी नूं सुन के एक छोटे शब्द की दो पंक्तियां की बचाई अपने बच्चे को विचार दियो या अपने मन में करो, जरूर करो। रंग लागत 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 है, छोटी विचार जरूर करनी पढ़ने के नाल बाणी कि नानक शब्द विचारीए पाइए गुणे निदान, नानक बेड़ी सच की तरीए गुर विचार। ये बाणी च इवें लिखे सत्संग जी, बाणी विचारीए जीओ, इस करके आप जुड़े सत्संग जी। इतनी बेनतियां प्रवान करो, उपरंत लंगर प्रशादा गुरु का तुट वर्तन तो आप सब नाल सांझता पाई जाएगी। अगले हफ्ते भी आने की कोशिश करांगे, पर 17 तरीक को रिश्तेदार जेड़ा प्राणी कोई गुरसिख का प्यारा आने च दिक्कत है, उन्हों लियाने च कोई उन्होंने बस नहीं मिल रही, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा, कमेटी को मेजर सिंह को दस दिता जाए कि वह प्रबंध कर लेंगे, नहीं तो सानू फोन कर दिता जाए, साडा नंबर खोल। सबनों प्रेरित करो, गुरु की बाणी का निरोल आनंद उठाइए, इसे जीवन मुक्ति प्राप्त करिए। इतनिया बेनतियां प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।